कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो, प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे, उनसे आग्रह करे कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा।